बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पंजाब एजुकेटर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टैंडर्ड्स, नेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स और डिफेक्टो और डी जियो स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे। तो बात करते हैं स्टैंडर्ड्स की। डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड से मुराद क्राइटेरिया या रिक्वायरमेंट्स का ऐसा मजमूआ है जिसे किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने तय किया हो जिसे किसी मुल्की या बैनुल कौमी तौर पर स्टैंडर्ड सेट करने का अख्तियार हो, जैसा कि ISO यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरी दुनिया के लिए स्टैंडर्ड सेट करती है, ANSI यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो कि अमेरिका के लिए मुख्तलिफ अशिया और खिदमात के स्टैंडर्ड सेट करती है। जब किसी चीज़ के लिए स्टैंडर्ड सेट हो जाए और तमाम लोग इस स्टैंडर्ड को फॉलो करने लगें तो अशिया और खिदमात में यकसानियत पैदा की जा सकती है। आइए अब बात करते हैं नेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स की। डियर स्टूडेंट, नेटवर्क बनाने के लिए कंप्यूटर और दूसरी कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है। ये डिवाइसेस और कंप्यूटर मुख्तलिफ मुमालिक में मुख्तलिफ कंपनीज डेवलप कर रही होती हैं और इस डिवाइसेस से मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क जैसा कि लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क या वायरलेस नेटवर्क बनाए जाते हैं और इन डिवाइसेस से बनाए गए नेटवर्क सिर्फ इसी सूरत में काम कर सकते हैं अगर इन नेटवर्क में डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में पहुंचाने के लिए एक जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा हो। नेटवर्किंग से मुराद वो गाइडलाइंस हैं जो कि तय करती हैं कि किसी नेटवर्क में डाटा भेजने के लिए किस मीडियम का इस्तेमाल होगा, मुख्तलिफ डिवाइसेस इस मीडियम तक किस तरह रसाई हासिल करेंगी, मुख्तलिफ डिवाइसेस में डाटा किस तरह मूव करेगा, किस किस्म की केबल या वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, किसी नेटवर्क में दो डिवाइसेस आपस में किस तरह डाटा तबादला करेंगी, इस स्टैंडर्ड को प्रोटोकॉल कहते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां अपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हुए स्टैंडर्ड में दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करती ताकि इनकी बनाई गई डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर नेटवर्क में सही से काम कर सकें। नेटवर्क स्टैंडर्ड सेट करने के लिए एक मशहूर कंपनी IEEE यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स है। आइए अब बात करते हैं डिफेक्टिव और डी जियो स्टैंडर्ड्स की। डियर स्टूडेंट, डिफेक्टिव स्टैंडर्ड्स ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिसे किसी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने सेट नहीं किया लेकिन इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। डिफेक्टो लातीनी जबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है दर हकीकत या जो चीज़ हकीकत में मौजूद है। किसी कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट के लिए जो खुद के ज़ाती स्टैंडर्ड बनाए होते हैं बाज़ुकात वो स्टैंडर्ड भी डिफेक्टो स्टैंडर्ड बन जाते हैं, जैसा कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये डिफेक्टो स्टैंडर्ड बन गया है। जो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं डी जियो स्टैंडर्ड्स की। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऐसे स्टैंडर्ड्स जिन्हें स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया हो इन्हें डी जियो स्टैंडर्ड कहते हैं। डी जियो भी लतीनी जबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कानूनी। नेटवर्किंग के हवाले से कुछ डी जियो स्टैंडर्ड दर्ज झैल हैं। IEEE 802.3 फिजिकल केबल से बनाए गए नेटवर्क में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वाईफाई IEEE 802.1 लोकल एरिया वायरलेस नेटवर्क में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ब्लूटूथ IEEE 802.15 बहुत छोटी रेंज के नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होने वाला स्टैंडर्ड है।